तो फिर क्यों आई हो इस शोक सभा में? इसलिए क्योंकि हम जानते हैं कि हमारे घर में दो सदस्यों की मौत हो गई, लेकिन जब तक तीसरा जिंदा है मैं ये मानने को तैयार नहीं कि मेरा पति मर चुका है। और घर के सदस्य की शोक सभा में शामिल होने का मतलब ये नहीं होता कि मैं अपना मंगलसूत्र उतार दूं या फिर अपना सिंदूर पोंछ दूं। विधवा होने पर चूड़ियां तोड़ने का रिवाज है, मैं जानती हूं, लेकिन मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगी, क्योंकि ये चूड़ियां मेरे सुहाग की निशानी है और मैं जानती हूं कि मेरा पति जिंदा है। ये तो हमारा और समाज का अपमान है। सभी जानते हैं कि इस घर के तीन बेटों में से दो बेटे मर चुके हैं, फिर भी देखो कैसे सुहागने बनी खड़ी हैं ये लोग। चलो चले, अभी चलो चलो सब चलो। एक मिनट, आप लोग यही चाहते हैं ना कि ये तीनों ये सुहागन का जोड़ा उतार कर विधवा का जोड़ा पहन ले? ठीक है, ऐसा ही होगा। अगर आप लोग जाना भी चाहती हैं तो हम आपको रोकेंगे नहीं, लेकिन जाने से पहले एक फैसला करके जाएंगे कि इन तीनों में से किन दो को अपनी मांग का सिंदूर पहुंचना होगा। बोलिए। मैं अपनी बहुओं की तरफ से वादा करती हूँ, अगर आप ये फैसला कर देंगी तो ये अभी इसी वक्त सुहागन का जोड़ा उतार देंगी। कर सकती हैं आप ये फैसला तो कीजिए। हम तीनों में से किसी एक का बेटा जिंदा है और जब तक उसकी कोई खबर नहीं आती मेरी तीनों बहुएं सुहागन ही रहेंगी। और इस मामले में हम अपनी बहुओं के साथ, 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 हाँ हाँ हाँ, हम उनके साथ हैं, हम उनके साथ, हम के साथ हैं, के साथ हैं, के साथ हैं, के साथ हैं।